प्रथम तहलका न्यूज। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का उत्तर प्रदेश में नारा देने वाली कांग्रेस हरियाणा में कुमारी शैलजा को बर्दाश्त नहीं कर पाई और बड़ी ही बेरुखी के साथ शैलजा को उनके पद से हटा दिया गया। कुछ इसी तरह से मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। मंत्री अनिल विज ने बिखरती कांग्रेस पर निशाना साधा और ये कहा कि यही तो कांग्रेस का असली चेहरा है। अनिल विज ने कहा कि ये दर्शाता है कि कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान कैसा है, उनकी कथनी और करनी में बहुत ही अंतर है। ट्वीट किया है, बेरुखी से आपने कहा हटाया गया है, बेटी हूँ लड़ सकती हूँ ऐसी बातें कही गई थी। देखिए, एक तरफ तो कांग्रेस कहती है बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, 50% सीटें देंगे, और एक तरफ बेचारी शैलजा को बर्दाश्त नहीं कर सकी है। 3-4 साल में उसको एडजस्ट नहीं कर सके और आज बेरुखी से उसको उसके पद से रुखसत कर दिया गया। ये है कांग्रेस का दोहरा चेहरा, ये कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं। महिलाओं के प्रति इनके मन में कोई सम्मान नहीं है। दरअसल कांग्रेस हाईकमान के द्वारा कुमारी शैलजा को प्रदेशाध्यक्ष के पद से हटा दिया गया था और विधायक उदय भान को नया प्रदेशाध्यक्ष बना दिया, तो वहीं मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस की नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए। प्रथम तहलका के लिए अंबाला से ब्यूरो रिपोर्ट।